शिमला जिला के कुमारसैन थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार किया है। जिस बाप को अपने पुलसिया बेटे पर कभी नाज था, उसी बेटे व बेटे के परिवार ने 81 वर्षीय बुजुर्ग व उनकी पत्नी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये मामला शिमला जिला के कुमारसैन थाना के भरेड़ी पंचायत के कठिन गांव में पुलसिया बेटे उसकी पत्नी और दो पोतों द्वारा 81 वर्षीय बुजुर्ग दंपति को पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर आईपीसी की धारा 451, 341, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर बुजुर्ग का उपचार रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में कराया। पुलिस के अनुसार धर्मदत्त वर्मा ने लिखित शिकायत में बताया कि उनका पुत्र जो पुलिस महकमे में है ने अपनी पत्नी व दोनों बेटों के साथ बिना किसी कारण के मारपीट की। झगड़े का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। जमीन को लेकर मारपीटकर्ताओं ने पहले उनके दूसरे स्वर्गीय बेटे के पुत्र रजत से झगड़ा और मारपीट शुरू किया। इस पर वे और उनकी पत्नी बचाव में आए तो दोनों की पिटाई कर दी। इस दौरान बुजुर्ग के सर में चोटें आई हैं। बुजुर्ग धर्मदत्त ने बताया कि उनके पुत्र ने मारा। इस दौरान पुलसिया पुत्र के दोनों बेटे भी आए और उनकी बुजुर्ग पत्नी समेत उन्हें मारा। अब उन्हें जान का खतरा है क्योंकि मकान एकांत में है, कभी भी मार सकता है। उनका पुलसिया बेटा धमकी देता है कि हाई कोर्ट में साहब के साथ हूँ, गोली से उड़ा दूंगा, मुझे कहाँ रहूँ, मुश्किल है। धर्मदत्त के दूसरे बेटे के पुत्र रजत ने बताया कि पुलसिया चाचा और उसके परिवार ने उन्हें दादा और दादी को मारा। बुजुर्ग दादा को सर में चोटें आई हैं, सिटी स्कैन के लिए रामपुर अस्पताल लाए हैं। दादी को भी चोटें आई हैं, उन्हें कुमारसैन हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने बताया कि चाचा धमकी देता है कि पुलिस में जाओगे तो मैं पुलिस में हूँ, कोर्ट जाओगे तो मैं हाई कोर्ट में नौकरी करता हूँ, ऐसे में न्याय के लिए कहाँ जाएं। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि कुछ फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुए, उसमें मामला दर्ज किया गया। कुछ डॉक्टरी राय के लिए बुजुर्ग को रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी भेजा गया, जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है। उसी के आधार पर आगे धाराएं जोड़ी जाएंगी। गत शुक्रवार मध्य रात्रि को पुंछ जिले के मेंढर में शहादत पाने वाले 24 वर्षीय रोहन ठाकुर सुपुत्र रसील सिंह जिला हमीरपुर के गांव खास कलोड के परिजनों के घर नादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। वो परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार ने विधायक महोदय के सम्मुख इच्छा जाहिर की है कि शहीद बेटे के नाम पर शहीदी गेट या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली जाए। विधायक ने कहा कि इस बात को प्रदेशाध्यक्ष के सम्मुख रखकर हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सुमन भारती उप प्रधान गलोर खास, संजीव शर्मा पूर्व प्रधान, अनिल वर्मा प्रधान हड़ेटा, संजय शर्मा प्रधान गोइस, राजीव बिट्टू प्रधान, शकुंतला देवी प्रधान, कपिल कुमार गाहली पंचायत आदि मौजूद रहे। शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाने के बाद ज्यों ही विधायक महोदय आंगन में पहुंचे तो लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। लोग यहां तक भूल गए कि विधायक महोदय समस्याएं सुनने नहीं बल्कि शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाने आए हुए हैं। इस मसले पर गलोड़ खास पंचायत प्रधान भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी विधायक महोदय को अपनी पंचायत की समस्या दे दी। कुछ लोग दबे मुंह इसका विरोध करते नजर आए। तदोपरांत विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू गोइस पंचायत में पिछले महीने हुए हत्याकांड में मारे गए राजेश कुमार के घर उनकी बेटी पूनम कुमारी और बुजुर्ग माता से
मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। बेटी पूनम का ढांढस बंधाते हुए कहा कि मैं आपके साथ हूं और आपको पूरा न्याय मिलेगा। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी तो पूनम को नौकरी देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इस दौरान प्रधान राजीव कुमार, उप प्रधान बालक राम, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, चरण दास, अश्विनी कुमार आदि मौजूद रहे। एच टुडे के लिए गलोड से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।